पंजाबी जो है, सिख जो है, ये जब भी कोई अटैक करता है उस टाइम इकट्ठे होते हैं। वैसे ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, मगर जब कोई बाहर से कोई अटैक करेगा ना, ये इकट्ठे होते हैं। पंजाबियों को, सिखों को बदनाम करना बंद कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। कमीनेपन की जो एक हद है या उसका जो एक नमूना है, वो आप पेश करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं जसवीर जस्सी। मैं एक भारतीय हूं, सिख हूं, पंजाबी हूं, या कह सकते हैं कि पंजाबी हूं, सिख हूं और भारतीय हूं। बड़े दिन से मैं एक चीज फील कर रहा था, महसूस कर रहा था कि मैं या बोलूं या लिखूं, पर लिखना थोड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, लोगों के एक एक बंदे के जवाब देने पड़ते हैं। मैं देता हूं जवाब, मैं तो कभी भागता नहीं हूं, मगर मैं आपको, नेशनल मीडिया को या कुछ जो शरारती मीडिया वाले लोग हैं, उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप एक छोटे से किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी एक या दो बंदों के इंसिडेंट को, कौम का मुद्दा या कौम का सिस्टम मत बनाओ, उसकी परसेप्शन मत बनाने की कोशिश करो। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों ना बनाओ। सिख कौम, पंजाबी कौम, इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना योगदान है, मेरे ख्याल 85-90% योगदान, जो आजादी को ले लो, मुगलों के राज से ले लो, इस देश के लिए पंजाबी और सिखों का है। उसमें कोई बहुत फड़ मारने वाली बात नहीं है, बहुत ऐसे अहंकार वाली बात नहीं है, ये प्यार वाली बात है, सत्कार वाली बात है। हमारे धर्म ने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई है, हमारे कल्चर ने हमें एक चीज सिखाई है कि दूसरों को प्यार करना है, दूसरों का सत्कार करना है, दूसरों के लिए कुर्बान होना है, दूसरों के दुखों में खड़े होना है। ये हिस्ट्री बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। हिस्ट्री अगर आप मिटा भी दोगे तो भी आज की डेट में भी हमारी पंजाबी कौम, हमारे सिख कौम जो है, वो दुनिया के, समाज के, सोसाइटी के दुख के साथ खड़ी है और खड़ी रहनी है, क्योंकि ये गुरु नानक की चलाई हुई रीत है, ये गुरु गोविंद की चलाई हुई रीत है। ये कोई ऐसी रीत नहीं है, ये छोटी मोटी रीत नहीं है कि मैंने चला दी या किसी और बंदे ने चला दी। सो आप इस चीज को बंद करो, क्योंकि सिख कौम, पंजाबी कौम के एक्शन बोलते हैं, उनको बात करने की जरूरत नहीं, उनको सफाइयां देने की जरूरत नहीं। आप देखो टर्की में आज भी हमारे जो पंजाबी हैं वो कैसे खड़े हैं, या आज भी गुरुद्वारा साहब जो हैं उसमें कैसे लंगर चल रहे हैं। ये बातें बोलने वाली नहीं है, मगर बोलनी पड़ रही है कुछ शरारती अंसरों को बताने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं, पंजाबी जो है, सिख जो है, ये जब भी कोई अटैक करता है ना, उस टाइम इकट्ठे होते हैं। वैसे ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, मगर जब कोई बाहर से कोई अटैक करेगा ना, ये इकट्ठे होएंगे। और आप देखना, आप एक तरह से अच्छा काम भी कर रहे हो, क्योंकि इनको इकट्ठा करते जा रहे हो, मगर ये देश के लिए बहुत हार्मफुल सिद्ध हो सकता है, देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। सो प्लीज इन चीजों से ऊपर उठिए और हिस्ट्री की कदर कीजिए, किरदार की कदर कीजिए, जो कौम का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, तभी आपके जो पीढ़ियां हैं उसको पता चलेगा कि इंसानियत क्या होती है, मानस की जात सभ्य एक पहचान वो कैसे होता है, किसी के दुख में कैसे खड़े होना होता है, किसी के दुख में कैसे उसको गले लगाना होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर जरूर इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसके ऊपर असर कीजिए। पंजाबियों को, सिखों को बदनाम करना बंद कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। इनके एक्शन इतने बड़े हैं कि आप नहीं कर सकते बदनाम। लोग बहुत प्यार करते हैं पंजाबियों को, नॉन सिख, नॉन पंजाबी जो लोग हैं वो सिखों को अपना बड़ा भाई और अपना अंग समझते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है, आप टीआरपी के लिए कुछ कर देते हो, जहां
आपको व्यूज चाहिए होते हैं तो आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब आप वो आपकी बेवकूफी, आपकी जो कमीनेपन की जो एक हद है या उसका जो एक नमूना है वो आप पेश करते हो। सो इसको बंद करो और मिलजुल के रहो। मानस की जात सब एक है पहचान, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का उनका श्लोक है। और अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन पले को मंदे, कोई बोला राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया कोई अलाए। सो इसके ऊपर रहिए और लोगों को, इंसानियत को, इंसानों को प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।